हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि काइन मास्टर से वीडियो कैसे एडिट करते हैं, मतलब मैं काइन मास्टर से वीडियो कैसे एडिट करता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेता हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं काइन मास्टर ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं वीडियो कैसे एडिट करते हैं। ये रहा मेरा काइन मास्टर। काइन मास्टर ओपन के लिए अब क्योंकि एडिट करना है वीडियो तो नए वीडियो ले लेते हैं। तो ये जो बीच में प्लस सीन है इसमें क्लिक कीजिए और ये 16:9 रेशियो का जो वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब आया ये स्क्रीन। अब लोग मीडिया में जाएंगे। हम जाने के बाद जो वीडियो एडिट करना है वो लेंगे। तो मैं कैमरा में जाता हूँ तो मेरा एक वीडियो ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो ले लिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक कीजिए राइट थिंग। तो आप थोड़ा वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। तो अब मैं मेरा इंट्रो कैसे डालता हूँ वो दिखाता हूँ। मीडिया में फिर से जाइए। ये जो मेरा इधर मेरा इंट्रो माय इंट्रो एंड आउट्रो लिखा है, इधर क्लिक करता हूँ। ये रहा मेरा इंट्रो, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये क्लिक कर दिया, ये रहा इंट्रो। मेरा इंट्रो भी हो गया, आप देख सकते हो। ये रहा बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर आउट्रो भी लगा सकते हो, लेकिन और कुछ बाकी है वो भी मैं दिखाता हूँ कि सब्सक्राइबर बटन जो है वो कैसे लगाता है। तो अब लेयर में जाता हूँ। लेयर में जाने के बाद मीडिया में क्लिक किया। अब मैं वीडियो एडिट करने का क्लिप जो है वो मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ यूट्यूब से। ये रहा वो, तो ये मैं सेलेक्ट कर लेते हुए ये सेलेक्ट किया। हाँ ठीक है, तो मैं इसे इधर ले आता हूँ। तो ले आया, अब इसमें क्लिक करके इसे छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है। आप कोने में ले जाता हूँ। अब मैं ये ग्रीन स्क्रीन जो है वो हटा देता हूँ, क्रोमा की इसे इनेबल कर देता हूँ। तो देखिए हो गया। तो मैं इसे और थोड़ा कोने में ले आता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो। तो मैं प्ले करके दिख रहा हूँ। तो ये हो गया। तो अब मैं दिखाता हूँ बीच में ये जो है इसमें ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं। तो कुछ भी ट्रांजिशन ले लेता हूँ, एक सेंटीमेंटल। ये जो है ऐसा करके आएगा, तो इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो हो गया, आप देख सकते हो ऐसे आएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आउट्रो कैसे लगाते हैं, आउट्रो भी मेरा है वो मैं डाउनलोड करके रखा हूँ पहले से ही। मैं मीटी फिर से मीडिया में जाऊँगा और इंट्रो और आउट्रो यहाँ से मैं आउट्रो सेलेक्ट करूँगा। देख सकते हो, मैं आउट्रो भी प्ले करके दिखाता हूँ आप लोगों को। वही लग गया। तो और मैं कोने में जो फोटो लगा था वो कैसे लगा था वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेयर में जाता हूँ, मीडिया मेरा फ़ोटो ले लेता हूँ। इंस्टाग्राम जाता मेरा ये फ़ोटो ले लिया मैंने। तो इसे फ़ोटो कोने में छोटा कर लेता हूँ इसे। तो हो गया, अब इसे बड़ा कर लेते हैं। जितना तक वीडियो है वहाँ तक बड़ा कर लेते हैं। ले लिया, अब देखते हो प्ले करके दिखा दो। Maybe it's 3 a.m. How's
अब मेरा यूट्यूब का जो प्रोफाइल है वो फोटो मेरा वीडियो के एंड तक रहेगा, तो ठीक है। मैं आखिर में एक और एक चीज़ लगा देता हूँ, तो आखिर में ये लगा देता हूँ ताकि लोग मेरे इंस्टाग्राम विजिट करें और मुझे फॉलो करें। तो अब मैं दिखाता हूँ म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक कैसे लगाता हूँ। तो ये जो ऑडियो का ये बटन है, इसमें क्लिक कीजिए और मेरा म्यूज़िक पहले से डाउनलोड किया हुआ है एंड मास्टर से, वो मैं लगा देता हूँ। ये जो स्वीट लाइस है ये बहुत अच्छा, सुनने में बहुत अच्छा लगती है, तो ये एडिट कर दिया मैं, डन कर दिया। अब मैं म्यूज़िक जितना तक रखना है तो वीडियो को यहाँ तक रखना है, तो बाकी जो बचा हुआ है वो मैं काट कर देता हूँ। तो यह मार के ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, क्योंकि मेरी राइट साइड की कटना है म्यूज़िक। तो यह मैं, तो देखिए अब हो गया, अब म्यूज़िक यहाँ से हो गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है, म्यूज़िक भी यहाँ तक हो गया। तो वीडियो पूरी डन हो गई है एडिट करना, मैं सिंपल से दिखाया आप लोगों को, क्योंकि वीडियो अब एडिट करना पूरी हो चुकी है। तो अब मैं दिखाऊंगा कि वीडियो को सेव कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं ये जो शेयर बटन है इसमें क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं तो बेसिकली 720 की रेजोल्यूशन में वीडियो सेव करता हूँ, और यह इससे फ्रेम रेट जो है वो 24 सिनेमा में करता हूँ। और नीचे एक्सपोर्ट बटन है, उसमें क्लिक कर दीजिएगा आप लोग, ताकि वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएंगे। एक्सपोर्ट हो गए, अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट प्लेयर, तो वीडियो भी आप लोग देख लिया। तो एक्सपोर्ट पूरी होने के बाद आप लोग प्ले करके भी देख सकते हो वीडियो एडिट कैसे हुआ। अब आप लोग जाके यूट्यूब से डायरेक्ट वीडियो को अपलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइएगा, क्योंकि मैं जब भी नए वीडियो डालता हूँ तो आप लोगों को मिल जाए। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोग चाहते हैं मैं शुरुआत इंट्रो कैसे बनाता हूँ तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँगा इंट्रो कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।